वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये देखे राइस और चाइनीज सीजनिंग ग्रेवी, चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। इंजॉय करें। ये इस तरीके से मैंने इस हॉट प्लेट से प्लेट में डाल रहा हूँ और ऐसे ये बहुत मज़े का है, डिलीशियस एग फ्राइड राइस विद चाइनीज मंचूरियन। हाउ टू मेक एग फ्राइड राइस विद चिकन मंचूरियन हॉट सीजनिंग। ये जो राइस है ये बहुत मज़े के हैं, टेस्टी हैं, डिलीशियस हैं और वैसे भी ट्रेंडिंग है। इट इज़ ट्रेंडिंग डिश, तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल की है और हम लोग जाते हैं बाहर घूमने तो रेस्टोरेंट में अब ऑर्डर करते हैं तो यही चिकन मंचूरियन और यही एग फ्राइड राइस है। ये मैं आपको वो रेसिपी बता रहा हूँ जो कंपटीशन है, जो आम रेस्टोरेंटों में आप जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है। तो अगर आप बनाना चाहें बस डिशेस जो होती हैं उनको आप मैं इसमें फ्राई पैन में बनाता हूँ, कढ़ाई में बना लें। तो राइस जो है इनको पहले बॉयल करना पड़ता है, इसमें फिर मिक्स वेजिटेबल के लिए मैंने ये देखे चिकन लिया और एक मैंने बॉल जो है ये छोटा स्मॉल मैंने राइस का ले लिया, साथ में मैं ओनियन पड़ा है, गाजर है, कैरेट, उसके बाद जो ओनियन है फ्रेश ओनियन है और कैप्सिकम है। इन चीज़ों को हमने बना रहे हैं इनसे, और ये सब्ज़ी जो होती हैं चाइनीज़ जितनी ग्रेवीज़ हैं इनको ज़्यादा नहीं पकाया जाता। ये कैरेट पड़ी है और ये शिमला मिर्च ओनियन। अब मैं ओनियन की ब्रीक कटिंग करता हूँ, ये गार्लिक के और ओनियन की हमने ब्रीक कटिंग कर लेनी है और गाजर की भी कर लेनी है, शिमला मिर्च की। ये देखे गार्लिक को मैंने ब्रीक कटिंग कर ली है, तो ये, और इसी तरीके से अब मैंने गाजर को पकड़ लेना है, गाजर को, शिमला मिर्च को, और ये इन सब को मैंने जो है कटिंग इनकी करनी है। तो ये मुझे बताएं किस किस को ये वाले राइस पसंद हैं, फ्राइड राइस है। इनको ये होता है कि हमने हाफ बॉयल करना है पानी में, उसके बाद निकाल कर इनको खुशक कर लेना होता है। खुशक करने के बाद फिर इनको हमने फ्राई करना होता है। तो इसलिए ये जो सब्जियाँ होती हैं इनको चाइनीज़ में इनको ज़्यादा नहीं पकाया जाता। अब चाइनीज़ जो भी ग्रेवी देखेंगे, वेजिटेबल ग्रेवी होगी, गार्लिक चिकन होगी, अगर मेरी बड़ी फेवरेट है वो, उसमें सब्ज़ी को ज़्यादा नहीं पकाया होता। तो अब ये देखें कटिंग इसमें एक जैसी होती है, बस वेजिटेबल ग्रेवी है उसकी क्यूब कटिंग होगी। अब ये जो है इसकी इसमें राइस के लिए ये ब्रीक कटिंग होगी, जो मंचूरियन होगा उसकी क्यूब कटिंग हमने चिकन की ली हुई है। अब देखें इस तरीके से मैंने अब गाजर की कटिंग कर लेनी है। पहले मैंने उसके लंबे स्लाइस काट लिए, लंबे स्लाइस के बाद फिर मैंने ये देखे उनको छोटे कर लिया, छोटे करने के बाद फिर उनको हमने ये ऐसे छोटे छोटे पीसेस में, और ये कितनी आसानी से देखे छोटे छोटे पीस तैयार हो गए हैं। कटिंग आपकी एक जैसी होनी चाहिए। अब मैंने पानी को बॉयल के लिए रख दिया और ये चावल है इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश करना है। रेस्टोरेंटों में जितने भी हैं उनमें इस पानी को तीन मरतबा वो चावलों को वाइप करते हैं पानी से, यानी तीन मरतबा उन्होंने पानी निकालना ज़रूरी होता है। तो वैसे भी ये प्रोसेस चावल होता है उनके पास, उसमें वो इतनी ये डस्ट वगैरह नहीं होती, तो जो आम हम बाज़ार से लेते हैं इनमें डस्ट है। इसमें आपने तीन की बजाय आपने पाँच से छः पानी ज़रूर निकाले। अब ये देखे मैं इनको हाथ से हला ला कर मिक्स कर रहा हूँ ताकि जो भी डस्ट है वो ऊपर आ जाए। ये मैं साथ साथ ये देखे निकालता जा रहा हूँ। दूसरा, जब हमारे ये राइस बॉयल होने, मैंने वैसे भी पानी के ऊपर से ये उठा लेने हैं। ये देखे अब मैंने हार्ड वाटर के अंदर चावलों को डाल दिया है ताकि ये भी साथ साथ बॉयल होते जाए, और मैं साथ साथ अपनी कटिंग को भी जारी रखूँ कि ये जो हमारी साथ वेजिटेबल्स है जिसमें कैरेट है, कैप्सिकम है, फ्रेश ओनियन है, इनकी हम ब्रीक कटिंग कर लेते हैं सेम ये। तो अब इसमें हमने अंडे डालने हैं, दो इसमें एग डालेंगे। ये मेरे पास एग पड़े हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, तो ये ब्लैक ओलिव है। अगर ये लगाना चाहें तो आप चावलों को, भैया मैं स्पेशल राइस में डालता हूँ, अगर कोई स्पेशल डिश बनाऊँगा
तो फिर उसमें मैं ये चीज़ें लगाऊंगा, पाइन एप्पल भी लगाएंगे और आलमंड भी लगाएंगे उसमें। ये जो है फ्राई पैन के अंदर बनाएंगे, तो आप चाहें तो ये इसमें, अब मैंने 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है फ्राई पैन में, ये इस तरीके से। फिर इसमें ये 300 ग्राम चिकन जाएगा, चिकन मैंने ऑयल में डाल दिया है। अब ये देखिए ऑयल में इसको हमने अच्छे तरीके से बनाई करनी है, इसको ब्राउन कर लेना है। ये अब इसमें जाएगा गार्लिक, अब हमने इसमें गार्लिक डाल दी है। गार्लिक को मैंने ब्री कटिंग की थी, जो सामने मैंने कटिंग की है और वो डाल दिया इस तरीके से। अब दोनों को ब्राउन करना हमने, ये मैं इस तरीके से जो मैं हिला रहा हूँ, ये देखिए चीज़ें बाहर नहीं गिरती और इससे नीचे भी नहीं लगती, ये भी इसका फ़ायदा है ऐसे। अब इसमें जाएगा साल्ट, मैंने ये देखें, ये मैंने ये हाफ मैंने ले लिया, ये स्पाइस वाला स्पून जो है साल्ट, ये मैंने डाल दिया इसमें। और ये मैं इस तरीके से, ये देखें मैं उसको हरकत दे रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो इसमें स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो खुद ही अपनी जगह से वापस आ रहा है। ये चिकन का कलर भी चेंज हो गया, तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो खानों से आपको एंजॉय करना चाहिए। तो ये देखें मैं कैसे उनको मैं थोड़ा थोड़ा हरकत देता हूँ और कैसे ऊपर से घूम घूम कर आ रहे हैं, इस तरह नीचे भी नहीं लगते और इनकी बनाई भी अच्छी होगी। और फ्लेम को भी मैंने जो है वो लो किया हुआ है, क्योंकि लो फ्लेम पे आप पकाएं कोई भी चीज़ है, जब आपने चिकन वगैरह को फ्राई करना है उसकी फ्लेम जो है वो आपने लो ही रखनी है। अगर हाई रखेंगे तो वो बाहर से तो पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है, यानी मैंने इसमें पानी डाल दिया है, ये जो स्मॉल बोल है, स्मॉल बोल का हाफ बोल पानी डाल, अब ब्लैक पेपर डाल दिया मैंने इसमें, ये जो एक स्पाइस वाला है इसका हाफ स्पाइस मैंने डाल दिया, हाफ स्पाइस स्पून जो है ब्लैक पेपर डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे गड़ा मिर्च जो होती है, ये रेड चिली कूटी, वो मैंने ये देखे रेड चिली को मैं डाल रहा हूँ इसमें। ये अब हमने रेड चिली डाल दी है, तो रेड चिली के बाद फिर इसमें ये देखे मैंने टमाटो केचप डालनी है इसके अंदर, ये वाली, ये बाज़ार से मिल जाती है, हम जो भी आपके पास केचप पड़ा, अगर केचप नहीं पड़ा तो फूड कलर लगा सकते हैं। ये मैंने इस तरह टमाटो केचप डाल दी है। फूड कलर के साथ ही मैंने एक डिश बनाई है, वो मैंने लिंक्स में दे देता हूँ, वो वीडियो मेरी अपलोड ऑलरेडी है, वो आप देख लें। उसमें फिर फूड कलर लगाना पड़ता है, उसका कलर इससे ज़्यादा रेड होता है। ये अब मैंने कॉर्न फ्लोर जो है उसको पानी के अंदर मैंने डाल लिया है 1 टीस्पून। अब इसको मैं पानी में उसको मिक्स कर रहा हूँ हल्का, ये देखें मंचूरियन बिल्कुल थिक हो गया है, बन गया है, और माशाल्लाह इसकी खुशबू कितनी प्यारी है, लुक भी बहुत प्यारी आ रही है। अब मैंने इसके अंदर कॉर्न फ्लोर को पानी वाला डाल दिया है, और साथ साथ अब मैं इसको, ये देखें कितनी प्यारी लुक है, या मैंने इसको ये देखें स्टिक के साथ मैं इसको अब ये देखें लगा रहा था कि ये नीचे ना लगे, इस तरह स्टिक लगानी पड़ती है। तो मैं स्टिक के बगैर भी चाहूँ तो हाथ से फिर ये ऐसे हो जाता है, ये मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, हम इसको बोल में निकाल लेते हैं। तो ये है हमारी हॉट सीजलिंग। तो ये देखें एक टाइम पे मैं 2 डिशेस बना रहा हूँ, एग फ्राइड राइस भी और साथ ही ग्रेवीज़ भी, और ये बनी किया 15 मिनट से पहले बन गई है, यानी ये 14.5 मिनट में तैयार हुई है, यानी 15 मिनट के अंदर अंदर दोनों डिशें। अब वेजिटेबल को हम कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं जो हमने कटिंग की थी, ये हमारे बनेंगे एग फ्राइड राइस। अब मैंने इनको डाल दिया ओनियन, फ्रेश वाला कैप्सिकम, कैरेट, ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं कढ़ाई के अंदर। अब इसकी थोड़ी सी बनाई कर रहा हूँ मैं। हाँ, अगर ये वीडियो ये अच्छी लगती है आपको, ये देखें ये मंचूरियन जो है ये बाद में हम लगाएंगे उसके ऊपर, अगर अच्छी लगी आपने कमेंट में बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इजी, आप आसानी से घर में बना सकते हैं ये। तो फिर आप इसको शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, ताकि मेरी वीडियो उतनी ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे।
अब इसमें जाएगा साल्ट। ये साल्ट हमें इस तरह के स्पाइस वाले दो डालेंगे, तो टीस्पून जो है, ये देखे मैंने दो साल्ट के ये मैंने डाल दी, ये देखे दो। तो अब हमने इसको, ये देखे माशाल्लाह सब्ज़ी भी हमारी कितनी प्यारी लग रही है। अब इसमें जाएंगे दो अंडे, टू एग्स, दो अंडों का मैं डाल रहा हूँ इस तरह, एक डाल दिया। अब हमने एक और अंडा डालना है, ये मैंने साथ साथ मिक्स कर दिया इस तरह। अब ये दूसरा अंडा भी आ गया, दूसरा भी हमने डाल दिया उसके अंदर। अब इनको हमने बनाई कर लेनी है, ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह क्या लुक आई है। ये देखें, अल्लाह आपके खानों में, जायकों में बरकत दे। ये मैंने जो राइस थे हमारा पानी जो ये चीज़ें गर्म हुई हैं, मैंने चावलों को पानी से निकाला हुआ, वो मैंने राइस अब कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। ये देखें, ये हमारे पास दूसरा था, दो में मैंने रखे हुए थे। राइस को हमने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको ये मिक्स करेंगे, इसकी थोड़ी सी बनाई करेंगे। और इसके अंदर हमने ये जो सोया सॉस, ये वाली मैंने, ये सोया सॉस है, रेड चिल्ली है, विनीगर है, ये वाली अच्छी क्वालिटी की है, जो भी आपके पास है वो यूज़ कर ले। अब हमने इनको, इस तीनों चीज़ों को राइस के मैं थोड़ी सी बनाई कर दूँ, फिर उनको डालता हूँ इसमें। ये देखें, ये वाइट प्लेन राइस कैसे लग रही है। अब मैं इसमें डालूँगा सोया सॉस, ये देखें सोया सॉस मैंने इसमें डाल दी है। अब इसके साथ ही मैंने फिर ये देखें, ये रेड चिली चली गई है, रेड चिली को डाल के ये देखें साथ ही विनीगर डाल दिया मैंने, ये तो रेड चिली भी डाल दी है, विनीगर भी, सोया सॉस, ये तीनों चीज़ें डल गई हैं जो मैंने आपको बाटलियाँ दिखाई थी। लाइट लाइट डालनी है, ज़्यादा नहीं है। अब कढ़ाही को हमने, इसको देखें, मैं इसको हाथ से ऐसे हिला रहा हूँ तो चावल खुद ही मिक्स हो रहे हैं माशाल्लाह। तो अगर ये देखें, मैं इसको हिला रहा हूँ तो चावल खुद ही जो है ना अपनी जगह से ये मिक्स होते जा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स मुझे ज़रूर करना है। आप लोगों ने घर में ट्राई करें, बनाएं, मज़े से खाएं, गर्मियों में खाएं, सर्दियों में खाएं, ये हर मौसम में खाए जाते हैं। अब देखें, ये राइस जो रेड है मैंने इनको निकाल लिया है, ये देखें एक डिश के अंदर, एक बड़ी ट्रे के अंदर मैंने, बड़ी डिश के अंदर मैंने निकाल लिया ऐसे। ये देखें निकाल रहा हूँ, ये मैंने कढ़ाई को थोड़ा सा किया ऐसे तो वो सारे चावल इसके अंदर आ गए। और ये देखें किस तरीके से, किस तरह स्टीम निकल रही है, खुशबू फैल रही है माशाल्लाह, क्या लुक आई है, क्या खूबसूरत लग रही है माशा। ये मंचूरियन पड़ा है, चिकन मंचूरियन और राइस। अब हमारे पास, मैंने बताया था, अगर आपके पास हॉट प्लेट नहीं है तो हम इसे घरों में, हर घर में तवा होता है। ये मैं राइस दिखा रहा हूँ, राइस बहुत मज़े के। अब देखें तवा गर्म हो चुका है, हम तवे के ऊपर डाल लेते हैं ये। तो मैंने यूं ही गर्म तवे के ऊपर डाल दिया है, तो ये देखें किस तरीके से इसके अंदर से ये भाप निकल रही है और स्टीम निकल रही है और खुशबू भी आ रही है माशाल्लाह। तो अब मैं इनको चावलों के ऊपर डाल लेता हूँ, ये देखें किस तरीके से, ये देखें स्टीम निकल रही है। तो तवे का मतलब ये है कि ये तो हर घर में, ये हॉट प्लेट नहीं भी होती घरों में, तो हर घर में तवा होता है। तवे को गर्म कर लें, उसके ऊपर आप सीजनिंग को डालें तो वो उसके ऊपर भाप भी देगी और ये ग्रेवी जो है ये फिर उसमें ठंडी नहीं होगी, क्योंकि इसको कॉर्न फ्लोर लगा होता है। फिर राइस के साथ मज़े से खाएँ। आप देखें मैं राइस के ऊपर डाल रहा हूँ, माउथ वाटरिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। अब ये मैं आपके सामने इनको खा कर दिखाता हूँ। वाओ, फंटेस्टिक, सो डिलीशियस, बहुत मज़े के, क्या बात है। मज़े से खाएं, डिलीशियस डिनर। वाओ, थैंक्स फॉर वाचिंग माय